बचपन में सेकंड स्टैंडर्ड में जब टीचर ने मुझे दो का पहाड़ा सुनाने के लिए कहा, मैंने जवाब में कहा, सर आप भी कमाल करते हो, 30,000 सैलरी पे आप हो और दो के पहाड़े का हिसाब किताब मुझसे पूछ रहे हो। टीचर ने मुझे बिना कुछ कहे सिर्फ यही कहा, अभी तुम छोटे हो लेकिन पिछले जन्म के कोई बड़े खिलाड़ी हो, बढ़ाकर जरूर बड़ा हाथ मारोगे। बस वही बात कानों में आज तक गूंज रही है। कौन कह सकता है कि आज 100 मिलियन के हीरो का व्यापार और $22 मिलियन मेरे अकाउंट में आने वाले हैं। बेताब फिल्म वाले इस शूट पे आज मेरी आखिरी राइड है। काम होने के बाद शाम की फ्लाइट से मैं स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ। जॉन, आई एम ऑन द वे टू पोर्ट। बचपन में माँ बाप ने यही बात सिखाई थी, हमेशा ईमानदार लोगों की इज्जत करना, लेकिन लूटे हुए माल को लूटना, ये आर्ट मुझे मेरे कमीने दोस्तों और जमाने ने सिखा दिया। जॉन जहाँ का इटालियन माफिया का हेड है, जिसने ये हीरे केप टाउन से मेलबर्न पोर्ट पर मंगवाए हैं। जॉन ने इन 100 मिलियन के हीरों का पैसा ड्रग माफिया में इन्वेस्ट करना है। मुझे जो इस काम के $2 मिलियन दे रहा है, लेकिन मैंने गेम बड़ी डाल दी है। मैंने फैसला किया कि मैं जॉन को असली हीरे नहीं, असली हीरों की बजाय नकली हीरे दूंगा। जो पैसा वो ड्रग बेचकर लोगों के घर बर्बाद करना चाहता है, न जाने कितने घर बचा दिए। 100 मिलियन के ये असली हीरों को मैंने 70 मिलियन में एक थर्ड पार्टी को देने का फैसला किया। इस काम के वो मुझे $20 मिलियन देंगे। थर्ड पार्टी के ये $20 मिलियन मुझे क्रिप्टो करेंसी में मिलने वाले हैं, जिसकी सेटिंग मैंने अपने दोस्त समर के अकाउंट में स्विट्जरलैंड में कर रखी है। समर ने मेरे लिए स्विट्जरलैंड की सिटीजनशिप का बंदोबस्त ऑलरेडी कर रखा है। जैसे ही मैं इन हीरों को आज शाम को ठिकाने लगाऊंगा, रात की फ्लाइट से मेलबर्न से सीधा स्विट्जरलैंड जाऊंगा।
समंदर की ये लहरें आज शाम को मेरे लिए 22 मिलियन डॉलर लेकर आ रही हैं। John, I got your diamonds. I'm about to drop off in your locker. बाकी के बचे 50 मिलियन की बात मैंने थर्ड पार्टी की कैप्टन वालों से करवा दी। अब जॉन चाहकर भी मुझे चेस नहीं कर सकता। वैसे भी लूटे हुए माल की कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं होती। समर मेरा स्विट्जरलैंड में इंतज़ार कर रहा है। कल शाम की पार्टी काफ़ी रंगीन होगी। दो पुराने कमीने दोस्त मिलके खूब मजा लेंगे। मेलबर्न को आज मेरा आखिरी सलाम है। टीचर की कही बात आज भी मुझे याद है कि तू पढ़ा के ज़रूर बड़ा काम करेगा। After all, I'm the game changer.